हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। मैं आज आप लोगों को एक्सेल के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सेल में यहाँ पे हम लोग होम टैब देखते हैं आज। ओके गाइस, चलिए। तो एक्सेल में यहाँ पे सबसे पहला आपका आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, ठीक है। फाइल ऑप्शन मैंने आप लोग को पीछे भी एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, होम टैब से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पेस्ट कट कॉपी एंड फॉर्मेट प्रिंटर। तो कट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई भी डेटा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपको मूव करना है तो आप डेटा को सेलेक्ट करोगे, जितना आप सेलेक्ट करोगे उतना ही आपका मूव होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये मैंने दो कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ से कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सिलेक्शन होता है। कट करने के बाद आपको ये डेटा अगर कहीं अदर प्लेस पर चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर पॉइंटर रखूँगा, यहाँ पर पेस्ट बटन पर क्लिक कर दूँगा तो ये मूव होके यहाँ पर आ जाएगा। अब पहले जैसा था मुझे वैसा करना है तो कंट्रोल जेड कमांड यूज़ करना, अंडू ऑप्शन बोलते हैं। ये एरो यहाँ पे आपको रिबन टैब होता है इसमें ये दिया रहता है, ठीक है। अगर किसी का यहाँ पे नहीं होता है तो ये एरो पे जाके यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो आप। ये टिक दिख रहा है, अगर इसको मैं हटा दूंगा तो ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा। वापस चाहिए तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर लो। अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो कंट्रोल जेड शॉर्टकट कमांड होता है वो यूज़ कर लो आप। ओके, दूसरा है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर कहाँ पे, सॉरी कॉपी पेस्ट देखते हैं पहले। कॉपी पेस्ट का मतलब, अगर ये मैटर आपको यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा मार्कशीट हो गया, अगर आपको ये यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे भी रखना है, किसी अदर प्लेस पे भी रखना है, तो इसको आप कॉपी करो या अदर शीट बना के क्रिएट करना है तो यहाँ पे प्लस ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो। न्यू न्यू शीट पे क्लिक करने का डायरेक्ट पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपको, तो ये जो हमने कहाँ पे रखा था, शीट 1 एंड शीट 5, ओके, तो डुप्लीकेट हो जाता है कोई भी डेटा का। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, अगर कोई भी जैसे यहाँ पे डेटा है आपका, जैसे मान लो कि इसको मैं सेलेक्ट किया, मैंने इसको थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे दिया, शेडिंग हो गया, टेक्स्ट कलर दे दिया मैंने, तो ये सब कलर कॉम्बिनेशन मैं यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा हैंड राइटिंग साइज जो भी है वो आप यहाँ से चेंज कर लेना। तो फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अब यहाँ पर मैं कुछ अदर टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं, मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मान लो ये जो मेरा डेटा है तो यहाँ पे क्या है, ये डेटा को मुझे ना सेम ये फॉर्मेट में करना है, जो ये फॉर्मेट दिख रहा है, येलो कलर बैकग्राउंड है, टेक्स्ट कलर रेड है, तो जो भी फॉन्ट है सब चीज़ें ना मुझे ये सब फॉर्मेट इसके अंदर डालना है। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप सेलेक्ट करोगे, बैकग्राउंड कलर दोगे, टेक्स्ट कलर चेंज करोगे, तो ये सब चीज़ें आपका थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको आप क्या करो, आपका कोई भी यहाँ पे सेल पे क्लिक करो, आप फॉर्मेट प्रिंटर में जाना, ठीक है, वो क्या करता है, फॉर्मेट कॉपी पर पेस्ट करता है, फॉर्मेट जो भी आपने फॉर्मेट इसके अंदर आपने ऐड किया वो होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर दो, डायरेक्टली सेम फॉर्मेट में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर। तो ये था क्लिपबोर्ड ग्रुप। दूसरा आता है हमारे पास फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में क्या होता है कि अगर आपको कोई भी आपका फॉन्ट है, जैसे ये हो गया, आपका हैंड राइटिंग क्या रखना है, इसको फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट या आप, ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, तो जो भी चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हो A to Z। उसके बाद यहाँ पे आपका साइज, ठीक है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, यहाँ से देखो पूरा शीट सेलेक्ट होता है, आप यहाँ से साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जितना आपको चाहिए वो आप यहाँ पे भी है, एक सेकेंड, यहाँ पे भी है साइज़ इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, इसको इंक्रीज और डिक्रीज, ग्रो या श्रिंक बोल सकते हो। नेक्स्ट बी फॉर बोल्ड, अगर आपको यहाँ पे जैसे ये हेडिंग है, मान लो आपका ये सब इसको डार्क में रखना है तो बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक सेलेक्ट करो, जितना सेलेक्ट करोगे उतने में ही चेंज होगा। यू फॉर अंडरलाइन, एरो पे क्लिक करोगे तो अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है, तो जो भी आपको अप्लाई करना है कर सकते हो। अब जो आपने अप्लाई किया वो नहीं चाहिए तो दो ऑप्शन है, एक तो कंट्रोल जेड करके पूरा बैक कर लो, बट पर्टिकुलर मुझे बोल्ड ही रिमूव करना है बट इटैलिक एंड डबल अंडरलाइन नहीं करना है, तो अगर मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो पहले अंडरलाइन होगा तो वो सीक्वेंस वाइज में जाएगा, बट आपको बीच बीच में से रिमूव करना है तो जहाँ से आपने अप्लाई किया है वहीं पे क्लिक करो, जैसे बोल्ड तो डायरेक्टली बी पे क्लिक कर दो तो बोल्ड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। इटैलिक अगर आपको रिमूव करना है तो सेलेक्ट करो डेटा को, आई पे क्लिक कर दो, इटैलिक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर आपको एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन रिमूव करना है तो जहाँ से आपने अप्लाई किया था सेलेक्ट करके वहीं पर फिर से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़, जैसे अगर मैं प्रिंट करता हूँ, जैसे फाइल में जाके प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ऑप्शन में आना, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको ये कलर आ रहा है, लाइनिंग नहीं आ रहा है, ओके,
तो यहाँ पे आपका बॉर्डर्स ये सब नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, कभी भी जब आप प्रिंट करते हो डेटा को, तो आपका डेटा सेलेक्ट करो, बॉर्डर ऑप्शन में आना, यहाँ से रखना ऑलवेज ऑल बॉर्डर जितना आप प्रिंट कर रहे हो। अब देखो ये लाइनिंग अभी आपको शो हो रहा है, तो जब आप यहाँ पे प्रिंट में जाओगे तो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक और पेज है, नेक्स्ट पेज देखो, तो इसमें नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने बॉर्डर अप्लाई नहीं किया है, और फर्स्ट में हमने क्या किया, बॉर्डर अप्लाई किया। तो कभी भी जब आप प्रिंट करते हो तो ऑल बॉर्डर रखो, नहीं तो डायरेक्टली जब प्रिंट करोगे तो लाइनिंग नहीं आएगा, डायरेक्ट वो प्रिंट तो होगा बट ये आपका पूरा ऐसा ब्लैंक रहेगा, ये बॉक्सेस नहीं आएंगे ये। ठीक है, उसके बाद ये बता दिया शेडिंग, शेडिंग का मतलब बैकग्राउंड कलर बोल सकते हो आप। सेलेक्ट करो एरो पे क्लिक करके, यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड में चाहिए टेक्स्ट के वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, एरो पे क्लिक करके आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर लो, जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर ये कलर नहीं चाहिए तो यहाँ पे जाना, यहाँ पे यूज़ करना नो फील, टेक्स्ट में क्या होता है ऑटोमेटिक यूज़ करना, ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट देखो दो टाइप का होता है हमारे पास, चलो इसमें देखो, तो दो टाइप के जो अलाइनमेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारे पास लेफ्ट सॉरी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है, अभी यहाँ पे जो आप सेलेक्ट करोगे पे आप हॉरिजॉन्टल यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको डेटा लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, ठीक है राइट में रखना है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल क्या होता है, अप एंड डाउन होता है, ये लेफ्ट टू राइट होता है हॉरिजॉन्टल। तो आप देखो अप एंड डाउन का अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि सेल का साइज़ छोटा है, तो सेल का साइज़ बड़ा करते हैं हम लोग, यहाँ से बड़ा हो गया। अब देखो अब यहाँ पे मैं अप सेंटर डाउन, तो ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, और ये नीचे का हॉरिजॉन्टल, इसको भी थोड़ा साइज़ बड़ा करता हूँ। देखो अब आप चेक कर सकते हो लेफ्ट सेंटर राइट, तो ये बॉटम से ही हो रहा है, तो ये वर्टिकल पे अभी आपको मिडिल रखना है, तो ये वर्टिकल लेवल। ठीक है ऐसे, तो ये आपका यहाँ पे यहाँ से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों सेंटर रखना है, दोनों सेंटर रख दो। तो ये आपका दो टाइप का एलिमेंट होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको हम लोग, तो यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हो, एंगल क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, जो भी है एंगल काउंटर क्लॉक वाइज, वर्टिकल टाइप, जैसे संडे मंडे हो गया आपको पूरा रखना है बॉक्स वाइज, तो ऐसा आप देखो इसको साइज बड़ा करो, देखो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये एंगल में रख सकते हो, तो जो भी एंगल है वो आप डायरेक्टली क्या करना, यूज रोल जेड करके। नेक्स्ट आते हैं अभी हम लोग यहाँ पे इंडेंट, इंडेंट का मतलब ये भी स्पेसिंग है कि अगर आपको लेफ्ट से कितना स्पेस चाहिए, राइट से कितना चाहिए, वो टेक्स्ट आपका स्पेस होता है वो। रैप टेक्स्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो मैं पॉइंटर लेके आ रहा हूँ, नीचे आपको वहाँ पे दिखा रहा है आपको प्रीव्यू उसका, कि आपका जो डेटा होता है, जैसे एक लाइन में आपने लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट मार्कशीट, इसको मैं थोड़ा साइज कम कर देता हूँ, देखो नेम आपको पूरा नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा कि जब मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो जो आपका वहाँ पे जो हाइड हो रहा है वो डायरेक्ट नीचे आ जाता है, मतलब वो हाइड नहीं होगा वो। ठीक है देखो यहाँ, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे जो भी डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे मत करो, यहाँ पे चाहिए तो टाइप कर लो, ठीक है स्टूडेंट मार्कशीट लिखा मैंने, अब ये देखो दो कॉलम में जा रहा है आपका, दो सेल में, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे लाइन ब्रेक हो रहा है वो डायरेक्ट इसके नीचे आना चाहिए, इसके आगे नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ से आप क्या करोगे रैप टेक्स्ट। तो ये क्या करता है कि जो भी आपका सेल होता है, सेल का आपको यहाँ पे कॉलम को साइज़ इंक्रीज नहीं करेगा, बस रो का साइज़ इंक्रीज कर देता है डेटा। हाँ इसको बढ़ा सकते हो आप मैनुअली चाहिए तो, ऐसा तो एक सेल में ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉलम में कॉर्नर में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट आपका अलग है, तो यहाँ से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो सर। ठीक है, तो ये आपका रैप टेक्स्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे इसको साइड में लूँगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो शिफ्ट हो गया नीचे, तो ये बॉक्स का साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ करोगे तो ये आपको शो होगा, तो ये क्या करता है डाउन में शिफ्ट कर देता है डेटा पूरा। उसके बाद यहाँ पे आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, जैसे ये स्टूडेंट मार्कशीट मैंने लिखा है, ओके अब मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ पे ना आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक लिखना है स्टूडेंट मार्कशीट, टॉप में कहीं पे भी क्लिक करो, इंसर्ट में आना, इधर इंसर्ट, ये वाला होम में ही डायरेक्ट एक ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ से आप क्या करना, इंसर्ट शीट रो, ऊपर एक आपका रो आता है, इसी को चाहिए तो आप कंट्रोल सी करके शॉर्टकट यूज़ करके कंट्रोल वी कर लो। तो यहाँ पे क्या होता है एक मर्ज इन सेंटर, अब मर्ज इन सेंटर का मतलब ये जो बीच में लाइन आ रहा है सब, ये लाइन आपको क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए आप पूरा रो सेलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ से मर्ज ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये पूरा लाइन क्लियर हो गया, तो इसका सेल का साइज़ आप कम या ज़्यादा कर लो, ऑटो एडजस्ट कर लो, इसको डिलीट कर लो। ठीक है, यहाँ लाइन पे क्लिक करना, डायरेक्ट आपको ऑटो एडजस्ट आता है, डबल क्लिक,
सिल का साइज बढ़ाओ, इमर्ज ये रैप टेक्स्ट है ना इसीलिए ऐसा आ रहा है, रैप टेक्स्ट हटा दो तो नॉर्मल आपका ऐसा शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है यहाँ पे रैप टेक्स्ट एंड मर्जन सेंटर, ये आप यूज़ कर सकते हो अलाइनमेंट ग्रुप। नेक्स्ट आता है जो ये भी इंपॉर्टेंट है, नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट क्या होता है बेसिकली कि अगर आपका जो डेटा है, अब जैसे आप लोग कभी भी डायरेक्ट टाइप करते हो तो प्रॉपर नॉर्मल आता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने इतना डेटा सेलेक्ट कर लिया, इतना सेल सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें मैं ना यहाँ पे आता हूँ नंबर फॉर्मेट में, एरो पे क्लिक करके यहाँ पे ले लेता हूँ करेंसी। अब ये जो सिलेक्शन मैंने किया, अब ये जो सिलेक्शन के अंदर अगर आप कुछ भी टाइप करोगे, जैसे मैंने 7 टाइप किया, देखो क्या कर रहा है, डॉलर में चेंज कर दे रहा है, ठीक है 9, बट नंबर नहीं आ रहा है प्रॉपर। अगर यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट करके डेट फॉर्मेट ले लेते हो तो कोई भी नंबर टाइप करोगे तो डेट में कन्वर्ट कर देगा। तो कभी भी जब आप टाइपिंग करते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है वो क्या ऑप्शन सिलेक्टेड है, यहाँ पे ऑलवेज आपका होना चाहिए जनरल, दिस इज अ नॉर्मल फॉर्मेट। तो जो भी आप स्पेसिफिक टाइप करोगे वो ऑटोमेटिक आपका वही ऑप्शन वहाँ पे रहेगा। बट अगर इन फ्यूचर अगर आपको चेंज करना हुआ, जैसे आपने अगर कोई फॉर्मेट आपको चेंज करना है, जैसे यहाँ पे आपने कोई डेट टाइप किया 1 जैन 2023 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे देखो ये डॉलर में कर दिया डेट फॉर्मेट रखना। अब डेट का भी फॉर्मेट आपको चेंज करना है कि जैसे 1/1/2023 आ रहा है मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 जैन 2023 चाहिए या 1 जैन 23 चाहिए ऐसा, तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करना। यहाँ पे ना एक होता है मोर नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट को डिफाइन कर सकते हो, डेट को भी कर सकते हो, टाइम को भी कर सकते हो, परसेंटेज को भी कर सकते हो, नंबर को भी कर सकते हो। तो अभी हमारा क्या है डेट है, तो हम डेट को सेलेक्ट करते हैं, तो अभी ये फॉर्मेट में देखो डेट आ रहा है, मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे अलग अलग देखो डे भी चाहिए आपको, मंथ भी चाहिए, ईयर भी चाहिए, डेट भी चाहिए, तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ओके कर देखो ऐसे ऐसे मिनी प्लस साइन से ड्रैग कर लेना, ये सेल का साइज़ देखो बड़ा करोगे तो ऑटो नॉर्मल हो जाएगा ऐसा। ये आपको ओनली डेट चाहिए प्रॉपर, तो यहाँ पे जाना मोर नंबर फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं सब, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है ओके करो, तो ये फॉर्मेट में हो जाएगा। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स होता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट है, डेट के साथ टाइम भी चाहिए तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपका टोटल यहाँ पे क्या है ना, पूरा ऑप्शन होता है, नंबर फॉर्मेट बोलते हैं इसको हम लोग। तो जो भी फॉर्मेट आप नंबर चेंज कर लो, अकाउंटिंग फॉर्मेट चेंज कर लो, डेट फॉर्मेट चेंज कर लो, टाइम फॉर्मेट, तो ये पूरा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं नंबर फॉर्मेट। अब यहाँ पे अगर आपको मान लो जैसे होता है ना, अभी हम लोग कर रहे थे तो डायरेक्ट डॉलर साइन आ रहा था, अगर आपको कोई भी साइन चेंज करना है, जैसे ये सेलेक्ट किया मैंने, ये डॉलर का देखो अलग अलग है, यूरो है, ठीक है, इंग्लिश है, सब है, तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाओगे तो, और यहाँ से जो हम लोग सेटिंग में गए यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट में, यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट में आओगे तो डायरेक्ट सब डेटा मिलेगा। ठीक है, करेंसी फॉर्मेट जो था वहाँ पे, तो यहाँ पे सिंबल्स आता है करेंसी का, तो यहाँ पे जो भी सिंबल्स आपको चाहिए करेंसी का, सब कंट्रीज का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये सब चेक कर लेना आप लोग, अगर जो भी आपको रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे जाना, आपको ऑल ओवर कंट्रीज का यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब। देखो इंडिया का चाहिए, देखो इंडिया का आ गया रुपीज़, इंडिया का भी है, अदर अदर कंट्रीज़ का भी है, तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ रख के ओके कर दो, यहाँ रुपी साइन आ जाएगा इसे। तो बहुत लोग को रुपी साइन चाहिए होता है, बहुत लोग को डॉलर साइन चाहिए होता है, तो जो भी साइन आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करके यूज़ कर लेना। ओके, नॉर्मल रखना है तो क्या करोगे, जनरल। अब नेक्स्ट कंडीशन है डेसिमल पॉइंट, परसेंट भी लगा सकते हो, कॉमा भी लगा सकते हो, किसी भी नंबर के आगे कॉमा चाहिए तो या पॉइंट डेसिमल पॉइंट बोलते हैं या कॉमर्स। अब दूसरा क्या होता है यहाँ पे देखो आपका आता है ये डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आप परसेंट अगर निकालते हो तो होता है ना 0.75 0.8 ऐसा, जैसे आप लोग परसेंटेज निकालते हो वहाँ पे आता है ना 80.89 या 80.75 या 80 पॉइंट जो भी है, तो जो पॉइंट के बाद आता है वो डेसिमल पॉइंट होता है। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये नंबर में मुझे डेसिमल यूज़ करना है तो यहाँ पे डेसिमल यूज़ कर सकते हो सर। तो ये डॉट के बाद जो भी पॉइंट्स आते हैं उसको डेसिमल बोलते हैं। अगर आप ये परसेंट निकालोगे तो यहाँ पे अभी जीरो आ रहा है, तो वो जो परसेंट रहेगा जैसे 75.10 या 75.8, तो ये सब आपको वहाँ पे लिख के आएगा अगर जब परसेंट निकालोगे तो। ओके,
तो यहाँ पे आपका ये सब पॉइंट्स ऐड करना है, ऐड करो, नहीं चाहिए तो एक होता है इंक्रीज, दूसरा होता है डिक्रीज, मतलब कम कर देना आपको ऐसे। तो ये आपका होता है नंबर फॉर्मेट। अब नंबर फॉर्मेट यूज़ करना है तो ये याद रखना, कभी भी आप यहाँ पे नॉर्मल रखने के लिए जनरल रखना ऑलवेज, ओके। नेक्स्ट स्टाइल ऑप्शन में आते हैं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, बेसिकली अगर आपको कोई भी कंडीशन अप्लाई करना है, कंडीशन का मतलब क्या, मार्कशीट में आप क्या करते हो कि अगर आपको चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट पास है कौन सा स्टूडेंट फेल है, वो आपको कैटेगरी वाइज शो करना है, मतलब कलर में शो करना है या अलग अलग बार्स होता है उसमें शो करना है। देखिए इसमें दिखा रहा है आपको, ठीक है, टॉप एंड बॉटम रूल्स लेना है, एसएल रूल्स लेना है, डेटा बार्स लेना है, कलर स्केल लेना है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल डायरेक्ट। मान लो जो ये मेरा मार्कशीट है, इसमें मुझे दिखाना है कि कौन सा स्टूडेंट पास है कौन सा स्टूडेंट फेल है। जो फेल है उसको रेड कलर में दिखाना है, जो पास है उसको ग्रीन कलर में दिखाना है। तो यहाँ पर मैं डेटा सेलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल। तो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है, तो दो तीन मैं बताता हूँ आपको, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। तो ग्रेटर देन का मतलब जो पास है पहले उसका लेना है, तो ग्रेटर देन ले लो। जो भी मान लो अगर आपका 100 में से पासिंग कितना रखा है अपने मार्कशीट में, अगर 100 में से पासिंग रखा है मैंने 35, तो मैं यहाँ पे 35 टाइप करूँगा, ये एरो पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट, जो भी स्टूडेंट मतलब यहाँ पे 35 से ज़्यादा है उसको कौन से कलर में शो करना है, कलर में ग्रीन कलर। देखो यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी स्टूडेंट 35 के अब है उनको क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। अब मुझे चाहिए कि जो भी 35 के नीचे हैं उनको रेड कलर में दिखाना है, तो इसको सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, लेस देन लेना। यहाँ पे आपको सेम प्रोसीजर 35 रखना है, यहाँ पे भी अगेन ये एरो पे क्लिक करके डायरेक्टली क्या करोगे, कस्टम फॉर्मेट, यहाँ से आप रेड टेक्स्ट ले लेना, तो जितने भी आपके यहाँ पे सब रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। देखो ये डायरेक्टली आ रहा है। इन फ्यूचर अगर मान लो किसी का मार्क्स कम होता है, तो ये तो हमने प्लेस कर दिया, मान लो फ्यूचर में अगर हम एडिटिंग करते हो तो फ्यूचर के लिए भी सेम आपको ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे किसी का भी मार्क्स अगर बिलो 35 रखते हो, 30 रख दिया, देखो बाहर क्लिक करो तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, रेड हो गया। अगर इसका मार्क्स अगर आप बढ़ा देते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 38 कर दिया, 35 से ज़्यादा, तो डायरेक्टली क्या कर देगा, वो पास कर देगा ग्रीन कलर में। तो ये आपका कंडीशन है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे और भी कंडीशन है उसमें, जैसे होता है ना जो जस्ट पास, इक्वल वैल्यू, बिटवीन ले सकते हो, जो टॉप में, जैसे क्या है कि इसको टॉप में ज़्यादा, मतलब जैसे जो 90 और 100 के बीच वाले नंबर्स हैं उनको हमें थोड़ा अलग कलर में शो करना है, तो बिटवीन आप यूज़ कर सकते हो 90 to 100 रख के, जो कलर से चाहिए कस्टम फॉर्मेट में जाके सेम यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो 90 to 100 कितने लोग को मिला हुआ है, कस्टम फॉर्मेट, यहाँ से आप पर्पल जो भी है पर्पल कलर ले लो, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स, तो ये आप चेक कर सकते हो ऐसा। इसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं। अब जैसे कि मान लो इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो जस्ट पास हुआ है, मान लो जो पासिंग मार्क्स 35, जो 35 मार्क्स से पास हुआ है ओनली, तो उसको यहाँ से कौन से कलर से हाईलाइट करना है वो आप रख सकते हो, ठीक है। उसको चाहिए तो ब्लू, लाइट ब्लू ले लेता हूँ मैं, देखो 35 कोई नहीं है। अब जिसको भी मैं मार्क्स 35 करूँगा ना, वो डायरेक्टली लाइट ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ऐसा। तो ये क्या होता है, ये आपका कंडीशन से ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। अभी इसमें और भी चेंज करना है तो सेलेक्ट करो अगेन, ठीक है, इक्वल वैल्यू हो गया, ठीक है। बाकी अभी इधर आते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स। ये देखो बेसिकली अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा होता है ना उसके लिए यूज़ करते हैं, बट अभी कम है डेटा यहाँ पे हमारे पास, तो इसका मैं मतलब आप लोग को बता देता हूँ क्या होता है। कि जैसे मान लो कि अगर आपके पास जो 100 लोग का या 200 लोग का डेटा है आपके पास, उसमें से मुझे चेक करना है टॉप 3% कौन कौन है या टॉप 2% कौन कौन है, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स मतलब किसका आया है टॉप 3 का। तो आप जितने में अप्लाई करना है उतना सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ टॉप 10 आइटम सेलेक्ट करना, तो इसमें देखो सबका सेलेक्ट हो गया क्योंकि हमारे पास डेटा ही कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें कितने लोग का चेक करना है, 2, तो मैं 2 लोग का यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से कौन से कलर से हाईलाइट करना है, कस्टम फॉर्मेट में आके आप कलर कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रीन लिया मैंने, ओके, तो यहाँ पे देखो आपको हाईलाइट करके दे देगा वो जितने लोग आपका वहाँ पे टॉप में है। तो सेम अपोजिट बॉटम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब फेलियर, एकदम फेलियर में से मतलब कौन है 2 लोग, तो यहाँ से बॉटम 10 आइटम सेलेक्ट करना, इसमें आना, इसको 2 टाइप कर लेना, तो फेलियर आपका कम कौन है, ठीक है, देखो ये दोनों,
हाँ, अगर मार्क्स अगर आप चेंज करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका वो भी शिफ्ट हो जाएगा, अगर मार्क्स इसका भी चेंज डेटा आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग है, इतना सेलेक्ट करो डेटा, कंडीशन फॉर्मेटिंग ये देख लेना, डेटा बार्स जितना ज़्यादा मार्क्स उतना ज़्यादा हाईलाइटिंग, मतलब ये मार्क्स सेलेक्ट करो टोटल छोड़ दो, तो जितना ज़्यादा मार्क्स रहेगा उतना ज़्यादा आपका हाईलाइट कलर, ये सब ठीक है। आइकन्स भी है आपके पास, मैं यहाँ पे कोई भी आइकन मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ऑरेंज रेड ग्रीन, तीन कंडीशन ले लिया। अभी इन फ्यूचर आप क्या करोगे कि अगर मान लो कोई बोलता है कि रेड तो ठीक है, रेड देखो क्या हो रहा है, जो पास है उसमें भी आ रहा है, जो फेल है उसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि जो फेल है बस उसको ही रेड में दिखाना है, जो फेल है बस उसको ही रेड में दिखाना है, तो उसको सेलेक्ट करो। आपको ना रूल क्रिएट करना पड़ेगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओ, न्यू रूल दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक करो। यहाँ पे आपको आता है क्या, किस में दिखाना है, आइकन में दिखाना है, कलर्स में दिखाना है, तो ये ऑप्शन आएगा। चलो मैं यहाँ से ना आइकन ले लेता हूँ, आइकन सेट, तो ये आइकन सेट आ गया, कोई भी आइकन सेट आप उठा सकते हो। यहाँ पे सेकंड वाला ही ले लेता हूँ। यहाँ पे अभी आपको क्या, अब यहाँ पे आपको ना ये कंडीशन आता है, परसेंटेज लिखा है तो हम परसेंटेज में नहीं कर रहे, नंबर में कर रहे, तो यहाँ से सेलेक्ट करना है नंबर, यहाँ पे भी नंबर। अब यहाँ पे देखो तीन कंडीशन आ रहा है, लेस देन 35, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्या करना 35 टाइप कर देना, 35 के नीचे जो भी रहेगा उसको क्या आएगा, फेल। दूसरा कंडीशन यहाँ पे आपको, जैसे मान लो कि आपको ऑरेंज, मतलब जो है ऑरेंज कैटेगरी में कहाँ तक का नंबर रखना है, मान लो 85 ले लिया, 35 टू 85 के बीच में जो भी रहेगा वो ऑरेंज कैटेगरी में आ जाएगा, 85 के बाद जो भी रहेगा वो ग्रीन कैटेगरी में आ जाएगा, ओके कर देना, तो ये आपको ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब किसी का भी मार्क्स अगर 35 के बिलो रखते हो तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जैसे 30 हो तो रेड में हो जाएगा वो, और किसी का भी मार्क्स अगर 85 मतलब 35 टू 80 रखते हो या 85 के बीच में तो डायरेक्टली ऑरेंज में हो जाएगा, और अगर 85 के ऊपर रखते हो तो ग्रीन में हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग होता है, आप रूल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए क्लियर रूल, क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट, तो आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा, रखना है रखो, नहीं रखना है कोई बात नहीं। इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है, मान लो आपके पास अभी यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है, 5, आपको एक और सब्जेक्ट ऐड करना है, बट कहाँ पे ऐड करना है, साइंस और मराठी के बीच में करना है, इंग्लिश और मैथ के बीच में करना है, तो मुझे मैथ और इंग्लिश के बीच में करना है, तो आपका पॉइंटर कहाँ पे होना चाहिए वो आपको ध्यान देना है। तो आपका पॉइंटर ऑलवेज जहाँ पे आप रखोगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका कॉलम इंसर्ट होता है, तो इंसर्ट में जाना, इंसर्ट शीट, तो यहाँ पे आपका रो भी होता है, अगर आपको रो इंसर्ट करना है तो ये पहले भी मैंने आप लोग को वीडियो, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें भी बताया मैंने, अगर करना है तो यहाँ पे देखो इसको नहीं चाहिए तो सेलेक्ट करो कॉलम को, यहाँ से डिलीट कॉलम कर देना। आपको रो इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका ये रो है, सारे रो, अगर मान लो किसी स्टूडेंट का नाम आपने छोड़ दिया तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट करो, रो चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना, 4 पे रखना, 3 और 4 के बीच में अगर चाहिए तो 4 पे रखना, क्योंकि रो जो होता है ऑलवेज अप साइड में इंसर्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका हो गया इंसर्ट, नहीं चाहिए सेलेक्ट करो, अगेन यहाँ से डिलीट में जाओ, डिलीट शीट रो कर दो। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, एक जैसे हम लोगों ने शीट इंसर्ट किया है 1, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब, तो ऐसा आप ना इसमें भी कर सकते हो, यहाँ पे जाओ इंसर्ट में, इंसर्ट शीट कर दो, डायरेक्टली शीट इंसर्ट हो जाएगा नया, तो जहाँ पे चाहिए आप यहाँ पे उसको मूव कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके साथ, ठीक है, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव भी कर सकते हो उसके साथ। तो ये था इंसर्ट डिलीट। फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट में बहुत सारे कंडीशन है, जैसे रो का हाइट इंक्रीज करना है, किसी भी रो का हाइट, जैसे यहाँ पे मान लो फर्स्ट रो का हाइट इंक्रीज करना है, रो हाइट में जाओ, जितना चाहिए आपको, बाय डिफॉल्ट आ रहा है, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, और ज़्यादा करना है तो सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाओ, सॉरी फॉर्मेट में आ जाओ, ठीक है, रो हाइट में जाओ, यहाँ पे 30 या 40 ले लो, बट नॉर्मल करना है तो फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट ऑप्शन आता है, ऑटो फिट रो हाइट कर देना है, ओके। नेक्स्ट कॉलम के लिए भी सेम प्रोसीजर है, अगर किसी भी कॉलम का हाइट आपको बड़ा करना है या ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट रखो, कॉलम का विड्थ बढ़ाना है तो 30 किया, ओके, कॉलम का विड्थ बढ़ गया, नॉर्मल करना है या तो ये डबल क्लिक कर लो यहाँ पे, ओके, ये कंट्रोल जेड किया मैंने, अब यहाँ पे फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट एक ऑप्शन आता है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर लो, ऑटो फिट हो जाएगा, तो दोनों कंडीशन में ऑटो फिट है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हाइड एंड
अनहाइड ऑप्शन आते हैं, मान लो पर्टिकुलर आपको रो को हाइड करना है, 2, 3, 4 सब जिसको हाइड करना है उसको सेलेक्ट करो, रो को फॉर्मेट में जाओ, हाइड रो कर देना, ठीक है, नॉर्मल करना है अगेन तो अनहाइड कर देना, ठीक है। कॉलम के लिए भी जैसे हिंदी इंग्लिश मराठी साइंस, ये 4 कॉलम हाइड करना है, फॉर्मेट में जाओ, यहाँ से हाइड में जाओ, हाइड कॉलम कर देना, वापस नॉर्मल करना है तो अनहाइड कर लेना, अनहाइड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस है जहाँ पे आप हाइड करना है कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरा नेक्स्ट आता है अभी आपके पास यहाँ पे, देखो शीट के लिए भी है हाइड शीट, बट अगर मैं एक चीज़ याद रखना आप लोग, ऑलवेज 2 शीट होना चाहिए, 2 शीट इसलिए कि अगर आप एक पहला वाला हाइड करो तो दूसरा दिखना चाहिए, नहीं तो आप एक ही शीट इंसर्ट करके हाइड करोगे तो नहीं होगा, ये याद रखना। तो ऑलवेज हाइड शीट करने के लिए 2 शीट आपके पास होने चाहिए ऑलवेज। तो यहाँ पे अब अनहाइड शीट करो, ओके वापस आ जाएगा। तो ये शीट के लिए है, तो ये कंडीशन देख लेना। अगर किसी भी शीट का नेम चेंज करना है, जैसे मार्कशीट बनाया, सैलरी स्लिप बनाया, बिल डिटेल्स बनाया, ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, शीट के ऊपर राइट क्लिक करना, रीनेम ऑप्शन आता है ये यूज़ कर लो, या फॉर्मेट में जाओ, रीनेम शीट यूज़ कर लो, मार्कशीट लिख दिया मैंने, ओके ये हो गया, बाहर क्लिक कर लेना। अगेन यहाँ पे आपका आता है मूव और कॉपी शीट, किसी भी शीट का डुप्लीकेट बनाना है या मूव करना है तो यहाँ से करोगे आप, ठीक है। अभी मान लो मूव टू एंड, इसको मुझे मार्कशीट को लास्ट में रखना है तो मूव टू एंड करके ओके कर दो, तो ये लास्ट में आ गया, देखो यहाँ पे। स्टार्टिंग में रखना है तो बिफोर करके ऑप्शन आएगा, जिसके पहले रखना है आपको। स्टार्टिंग में कौन सा शीट है, नंबर 5, तो आप बिफोर कर लो, यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, बिफोर शीट आ रहा है, ओके कर दो, स्टार्टिंग में आ गया। या कॉपी करके रखना है तो फॉर्मेट में जाओ, मूव और कॉपी शीट, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट अ कॉपी, कहाँ पे, लास्ट में चाहिए, ओके कर दो। तो देखो मार्कशीट का एक स्टार्टिंग में भी है, ठीक है, और एक एंडिंग में भी है, 2 करके आ गया। तो ये कंडीशन आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइप कलर, टाइप मतलब ये जो, इसको टाइप भी बोलते हैं हम लोग, ये जो शीट 1, शीट 2 रहता है ना, ये सब ये टाइप होता है, तो इसका ये रेड कलर, देखो बाहर सेकेंड शीट पर क्लिक करूँगा तो इसमें ऐसा दिखाएगा आपको। तो ये कलर कॉम्बिनेशन है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, टाइप कलर में जाओ, उसको तो ग्रीन कलर, ठीक है, तो ये सब यूज़ कर सकते हो आप यहाँ से। प्रोटेक्ट शीट देख लो, प्रोटेक्ट शीट क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे फाइल को, एक मैंने आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में फाइल को पासवर्ड देना है, तो फाइल को पासवर्ड देने के लिए मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से चाहिए देख लो, फाइल में जाओ, इन्फो में आ जाओ, प्रोटेक्ट वर्कबुक इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, तो यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप करके ओके करना। उसके बाद अगेन आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4 करके ओके किया मैंने, सेम पासवर्ड फिर आपको टाइप करके ओके किया, सेव कर लेना फाइल को, तो ये फाइल आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, ओके। चलो बैक करते हैं यहाँ से, तो ये फाइल के लिए था, जब आप फाइल ओपन करोगे तब पासवर्ड पूछता था, बट यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोटेक्शन, शीट प्रोटेक्शन होगा, शीट को मैं पूरा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट प्रोटेक्ट शीट, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है किसको अनप्रोटेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या सबको प्रोटेक्ट करना है सबको प्रोटेक्ट रखो, जैसे 1, 2, 3, 4 ओके, सेम पासवर्ड फॉर कन्फर्मेशन 1, 2, 3, 4 ओके। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब मैं यहाँ पे ना इसको डेटा को देखो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे साइज बढ़ाता हूँ, हुआ कुछ नहीं, ये भी चेंज करता हूँ, हुआ कुछ नहीं, इधर देखो सब डिसेबल हो गया, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए कि ये सब काम करने चाहिए, तो इसको हमने क्या किया है, शीट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, नंबर 1, 2, 3, 4, तो ये डायरेक्टली आपका यहाँ पे पासवर्ड ओपन हो गया। अब इसको आप चाहिए तो सेलेक्ट करके कुछ भी काम करो, जैसे सेलेक्ट किया, साइज चेंज करो, हैंड राइटिंग चेंज करो, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है, तो पासवर्ड अगर आपको प्रोटेक्ट करना है बेसिकली, तो पासवर्ड भी प्रोटेक्ट करके आप रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट आते हैं अभी हम लोग ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है, कैलकुलेशन के लिए, अगर आप यहाँ पे जैसे टोटल होता है ना, टोटल आपको डायरेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करो जहाँ पे टोटल चाहिए, ऑटो सम में आना, यहाँ पे एक ऑप्शन है सम, और तो डायरेक्ट एंटर कर देना, तो ये ऑटो में कैलकुलेशन करके आपको दे देता है, यहाँ पे मिनी प्लस साइन से ड्रैग कर लेना। सेम एवरेज के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ एवरेज, तो एवरेज भी आप यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा कंडीशन याद रखना, एवरेज पे जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे क्या होगा ना, देखो टोटल का भी कॉलम सेलेक्ट हो गया, तो सिलेक्शन आपको थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ सब्जेक्ट्स बस सेलेक्ट करो आप यहाँ से और एंटर कर लेना, तो यहाँ पे देखो, ठीक है। मैक्सिमम के लिए भी यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे क्लिक करो,
मैक्स पे क्लिक करना, तो देखो बट सिलेक्शन आपको टोटल के लिए तो डायरेक्ट एंटर करना है, बाकी इसके बाद में देखो क्या हो रहा है कि जहाँ पे आप पॉइंटर रखो उसके पहले का सब सिलेक्ट हो रहा है, टोटल भी हो गया एवरेज भी हो गया, आपको बस सिलेक्शन चेंज करना है और मिनी प्लस साइन से ड्रैग कर लेना। तो ये आपका क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम सबके लिए यूज़ कर सकते हो, ये सब एक एक करके चेक कर लेना। नेक्स्ट आता है फील, फील में ना एक ऑप्शन देखो आप लोग सीरीज फील, सीरीज फील इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोग को मैंने बताया था क्या कि आप लोग क्या करते हो कि जैसे मान लो यहाँ पे आप लिखते हो ना वन और टू लिख के मिनी प्लस साइन से ड्रैग करते हो, जैसे मैंने यहाँ वन लिखा और वन लिख के मिनी प्लस साइन से ड्रैग करता हूँ तो वन 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 सब आता है, बट यहाँ पे वन लिखो यहाँ पे टू टाइप करो, दोनों सेलेक्ट करना है और मिनी प्लस साइन से ड्रैग करना है। ओके बट यहाँ पे आपको कंडीशन क्या चाहिए, बट आपको कंडीशन चाहिए कि मैं यहाँ पे वन लिखा, मैंने बार क्लिक किया फिर इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है फील सीरीज फील, रो वाइज में चाहिए या कॉलम वाइज में, तो रो वाइज में रखता हूँ। स्टार्टिंग का वन होना चाहिए, एंडिंग का मैं सपोज यहाँ पे 30 दे दिया। ओके देखो 1 to 30 नंबर ऑटोमेटिक रो वाइज में आ जाएगा, ठीक है आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। कॉलम वाइज में चाहिए सेम प्रोसीजर, सेलेक्ट रखो फॉर्मेट में जाओ, सॉरी फील में जाओ, सीरीज में जाओ, कॉलम सेलेक्ट करो, वन ऑलरेडी है यहाँ पे 20 कर देता हूँ, चलो ज़्यादा नहीं, ये देखो नीचे। तो ये आपका क्या होता है कि ये एक टाइप से आप फील कर सकते हो सीरीज, तो डायरेक्टली यहाँ पे जाना सीरीज फील यूज़ कर सकते हो ऑटोमेटिक फील के लिए। ओके क्लियर ऑप्शन देख लो अभी क्लियर में। अब इसमें देखो फील में ना और भी ऑप्शन है, जैसे कि आपका होता है क्या और भी ऑप्शन है इसमें, इसमें जैसे फ्लैश फील वगैरह है, तो ये बाद में बताऊंगा मैं, ये आगे भी ऑप्शन में है डेटा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हम लोग आगे चेक करेंगे, यहाँ पे ये सब ऑप्शन है, यहाँ पे ये सब है डुप्लीकेट है फ्लैश फील है, तो ये सब बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्लियर ऑप्शन, क्लियर का मतलब क्या, जैसे मैंने आप लोग को एक बताया था कॉपी पेस्ट करने के टाइम पे आपने बैकग्राउंड कलर डाल दिया, टेक्स्ट कलर डाल दिया, देन आपने कुछ भी कमेंट्स अगर इसमें डालते हो, तो मुझे चाहिए ना कि इसमें से जब मैं कॉपी करता हूँ उसको सेलेक्ट किया कॉपी, तो कॉपी पेस्ट के लिए था, तो कॉपी करके आपने वो पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे का देखते हैं, देखो यहाँ पे क्लियर ऑप्शन होता है, क्लियर का मतलब मान लो मुझे ना बस इसके अंदर का जो कलर है वो क्लियर करना है, जैसे बैकग्राउंड टेक्स्ट ये सब आ रहा है, तो क्लियर में जाना, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट करके ऑप्शन है, डन। बट अगर आप कंट्रोल जेड करता हूँ, अगर आपको पूरा क्लियर करना है तो क्लियर ऑल, तो पर्टिकुलर ऑप्शन उसमें से निकालना है तो क्लियर आप कंटेंट करोगे तो बैकग्राउंड कलर रहेगा आपका, ये टेक्स्ट चला जाएगा ऐसा। तो उसके बाद कमेंट्स आता है, कमेंट आपने दिया नहीं है तो अभी कमेंट्स कुछ यूज़ नहीं होगा, हाइपरलिंक दिया नहीं है तो ये दोनों होगा, तो ये पर्टिकुलर क्या होता है फिल्टर होता है एक टाइप से, कुछ भी फिल्टर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे फिल्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टन फिल्टर, तो शॉर्टन फिल्टर के लिए ये सब याद रखना कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कॉलम या रो को असेंडिंग ऑर्डर में करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ये सब आप यूज़ कर लेना, जैसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मान लो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फिल्टर शॉर्टन फिल्टर ऑप्शन। तो शॉर्टन फिल्टर में क्या करना है कि आपको ये देखो अभी असेंडिंग ऑर्डर में, मुझे डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ पे जाओ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दो, एक्सपांड रखना, एक्सपांड रखने से क्या होता है कि आपका जो मैटर है, जो अभी मैंने कौन सा रो सेलेक्ट किया है ए कॉलम सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं डिसेंडिंग करूँगा तो 8 जो है 8 अगर ऊपर आता है इसके साथ में नेम भी ऊपर आना चाहिए, तो इसके लिए एक्सपांड करना है, ठीक है शॉर्ट। तो ये देखो पूरा आ गया, अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कि वो असेंडिंग करना है तो यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर ले लो, सॉरी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेना पहला वाला शॉर्ट, या आपको अगर इसके नेम पे भी यूज कर सकते हो। ओके देन आप यहाँ पे जो भी है देखो ए जी एच ऐसा आपका अल्फाबेटिक वाइज हो जाएगा पूरा, तो ये आप यूज करना है तो, ठीक है। तो ये आपका होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब फिल्टर ऑप्शन आता है, फिल्टर यहाँ पे आप क्या करोगे, फिल्टर भी इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो नेम पे या रोल नंबर पे आपको फिल्टर, ये रो पे ही फिल्टर लगा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे फिल्टर लगा दिया मैंने, फिल्टर लगाने के बाद ना यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन आ रहा है रोल नंबर स्टूडेंट नेम, जैसे मान लो मुझे ना पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का डिटेल चेक करना है कि कौन सा स्टूडेंट है, मान लो कोई स्टूडेंट है जो चेक करना है पास है या फेल है समथिंग, या मार्क्स कितना आया है, तो आप रोल नंबर वाइज भी यूज़ कर सकते हो, मान लो पर्सन का रोल नंबर पता है आपको तो ये सर्च बॉक्स में जाके 1007 का देखना है मुझे, ओके कर दो तो उसका डिटेल आ जाएगा। बट अब मान लो कि पर्सन का आपको रोल नंबर नहीं मालूम है, ठीक है ऑल करके ओके कर लेना, पर्सन का मुझे रोल नंबर नहीं मालूम है नेम पता है, तो यहाँ पे आप जाना नेम टाइप कर लेना किसी का, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पराग, पराग ले लिया मैं, तो यहाँ पे पराग का नेम टाइप कर लूँ और ओके कर देना,
तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पर्सन का नेम वाइज करना है, नेम वाइज कर लो, रोल नंबर वाइज करना है, रोल नंबर वाइज कर लो। आप यहाँ से फिल्टर आप यूज़ कर सकते हो, नहीं चाहिए उस रो पे क्लिक करो जिस पे आपने फिल्टर यूज़ किया है, सेम प्लेस फिल्टर शॉर्ट एंड फिल्टर में जाके फिल्टर पे अगेन क्लिक कर लेना, तो ऑटोमेटिक फिल्टर क्लियर हो जाएगा। तो ये आप अगर नहीं चाहिए तो ये आप ऐसा क्लियर कर सकते हो। फाइंड एंड सेलेक्ट, अगर किसी भी मैटर को रिप्लेस करना है या किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना है, किसी लेटर को रिप्लेस करना, फाइंड करना है, फाइंड करना है तो फाइंड आप किसी प्लेस पे जंप करना है तो उसके लिए फाइंड कर सकते हैं। जैसे पर्सन का नेम आप देख लो, तनुजा कहाँ पे है, फाइंड नेक्स्ट करो तो डायरेक्ट वो वहाँ पे लेके चले जाएगा आपको। फाइंड ऑल कर दो, अगर उस नेम से दो तीन लोग रहेंगे तो सबका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, ठीक है। रिप्लेस करना है, तनुजा का नेम चेंज करना है, किसी और का रखना था तो रिप्लेस तनुजा का ऊपर रखो, जो नया नेम चाहिए यहाँ पे रखो। तनुजा का मैं चलो चेंज करके दिखा देता हूँ, राकेश कर देता हूँ, तो रिप्लेस ऑल कर देना। देखो एक ही रिप्लेसमेंट था डन, तो तनुजा के प्लेस पे क्या हो गया, राकेश हो गया। तो ये सब रिप्लेसमेंट वगैरह भी कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। गो टू स्पेशल का मतलब अगर आपको कोई मल्टीपल कंडीशन यूज़ करना है, जैसे मान लो कि आपको पूरा ब्लैंक रो सेलेक्ट करना है या ब्लैंक सेल सेलेक्ट करना है, या आपने जहाँ जहाँ कमेंट दिया है वहाँ पे आपको जाना है, जैसे ब्लैंक पे क्लिक करूँगा तो ओके, देखो ये ब्लैंक एरिया क्या कर दिया उसने, सेलेक्ट कर दिया। तो ये पूरा है, इसके अंदर फील करना है, कुछ डालना है या कुछ अप्लाई करना है, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, गो टू है आपके पास, कहीं पे जंप करना है जंप कर सकते हो, किसी भी सेल पे, जैसे A1 पे जाना है ओके कर दो, तो डायरेक्ट आपका पॉइंटर वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होम ऑप्शन, कुछ अगर आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।